आगरा में G20 सम्मेलन की तैयारियां हुई पूरी। शहर के कई क्षेत्रों में G20 के लगे लोगों। यूपी में जिलों के नाम बदलने का सिलसिला जारी। सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दिया बयान। लखनऊ में 1090 चौराहे पर राहगीरी कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम के चौथे दिन भी दिखी धूम। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौर्य ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। गोंडा में सरयू नदी पुल पर निर्माण कार्य शुरू। वाहन के आवागमन में हो रही है परेशानी। देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुख करते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि देश की समस्त महिलाओं दलितों को अपमानित करने का रामचरितमानस में पंक्तियों को बैन करने के लिए मैंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। साथ ही कहा कि मेरी मांग को लोग तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का काम करते हैं। लोग इसको आराध्य श्री राम से जोड़ते हैं और धर्म से जोड़ते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैंने पत्र लिखा है। देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों एवं पिछड़ों पर रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से नीच अधम कहे जाने, अपमानित और प्रताड़ित किए जाने की बात को लेकर के संशोधन या प्रतिबंधित करने की मांग के क्रम में मैंने चिर प्रतीक्षित पत्र देश के राष्ट्रपति एवं देश के प्रधानमंत्री जी को भेजने का काम किया है और हमें पूरा भरोसा है कि माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए देश के समस्त आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों एवं महिलाओं के सम्मान की बात को सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे। आगरा में होने जा रहे G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं दीवारों पर अलग अलग तरीके से चित्रकारी की गई है। दीवारों पर भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। शहर के कई क्षेत्रों में G20 के लोगो भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि G20 सम्मेलन से कई दिन ताजमहल बंद रहेगा। पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये था कि 12 तारीख में दोपहर के बाद दोनों स्मारक प्रस्तावित थे, ताजमहल और आगरा फोर्ट। लेकिन उसमें कुछ संशोधन हुआ है। अब दो अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं। 11 तारीख को आगरा किले के भ्रमण का कार्यक्रम रखा गया है और 12 तारीख को ताजमहल के लिए रखा गया है। सो अब जो है कि उसी के हिसाब से जो मोनूमेंट की क्लोजिंग थी, पहले ये था कि 12 तारीख को आगरा किला और ताजमहल दोनों बंद रहेंगे, तो आज उसमें हमने एक संशोधन किया है। अब नए संशोधित आदेश के मुताबिक आगरा किला आम दर्शनार्थी के लिए, आम पर्यटक के लिए 11 तारीख को बंद रहेगा और ताजमहल आम पर्यटक के लिए 12 तारीख अर्थात संडे को बंद रहेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से 1090 चौराहे पर आयोजित राहगीरी कार्यक्रम के चौथे दिन भी धूम दिखी। कार्यक्रम में आए जादूगर के अनोखे करतब से लोग दंग रह गए। इसके साथ ही कार्यक्रम में आए स्कूली बच्चों ने देशभक्ति और फिल्मी गीतों पर रंगारंग डांस प्रस्तुत किया और लोगों का दिल जीता। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्रमोशन के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा राहगीरी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। फिरोजाबाद में नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान को लेकर क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश है।
क्षेत्रीय पार्षद और लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही नगर निगम द्वारा घर के अंदर बंधी गायों को जबरन ले जाने का भी आरोप लगाया गया है। निगम के अधिकारियों और क्षेत्रीय पार्षद में नोकझोंक भी हुई। वहीं पार्षद का कहना है बोर्ड भंग होने के बाद नगर निगम के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। सदर विधायक के हस्तक्षेप के बाद नगर निगम के कर्मचारी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। तो सब आगे भेज देते ऊपर ले दे भाई, हमारी तबीयत खराब है भैया, दवाई लेके आए आगरा से, हमारे पास बेटी है 5 जी, और आए और सब हमारी गैया खोल गई, हमने हाथ जोड़े 5 छुए, हमारी लड़की ने हाथ जोड़े पैर छुए, लड़की रो रही गाड़ी में, लड़की लग रही नगर निगम बारे में वैसे कपड़ा पहन रहे हैं। देखिए ये अतिक्रमण के नाम पर नगर निगम जब से बोर्ड भंग हुआ है पूरे शहर में एक इन्होंने तानाशाही और एक ऐसा माहौल बना दिया जिससे लोगों में डर बैठ गया है। उसी के चलते ये सोहानर रोड पर अतिक्रमण कर रहे थे तो स्थानीय जो ये अरेंद की जो ठार है उस पर करीब 4-5 गाय कुछ घर के अंदर थी और 1-2 बाहर थी। तो ये कुछ गाय जो 1-2 घर के अंदर बंधी थी वहाँ से फूटे से खोल लाए 1-2 गाय, और 1-2 जो गाय बाहर बंधी थी तो करीब 4-5 गाय इन्होंने पकड़ के जबरदस्ती उसमें ठूस दी। हम लोगों ने इनसे कहा, क्षेत्रीय पार्षद जो कि मैं फूट पार्षद हूँ उनके के नाते इनसे बोला कि आप किसी की भी संपत्ति को इस तरीके से आप नहीं ले जा सकते। मैंने गाड़ी को रोका है और इनकी गायों को आदरणीय सदर मनीष विधायक से डॉक्टर जी की बात कराकर गायों को बाकायदा छुड़वाया है, और इन्होंने अपनी गलती मानी ली है कि बिना नोटिस के हमने ये कार्रवाई की है, ये हमारी गलती है। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब का। यूपी में नाम बदलने का सिलसिला जारी है। लखनऊ के बाद अब गाजीपुर और बहराइच जिले के नाम बदलने की मांग तेज हो रही है। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर का नाम बदलकर विश्वामित्र नगर और बहराइच का नाम बदलकर महाराज करने की मांग की है। इसके साथ ही अरुण राजभर ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। नगर के नाम से विश्वामित्र के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रयास किया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे पत्र को संज्ञान में लेते हुए महाराजा जो गांधी थे उनके पिताजी उनके इतिहास को बचाने का प्रयास किया। तो जो हमारे संस्कृति रहे, जो हमारे इतिहास रहे हैं, आज जरूरत है उसको बचाने के लिए लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी, क्योंकि ये भगवान राम और लक्ष्मण से जुड़ा हुआ है। तो इस अपने पुराने पौराणिक जो इतिहास रहे उसको बचाने का समय आ गया है। जो भी हमारे इतिहास विदेशी क्रांता मुगलों ने मिटाने का काम किया है, आज उसको संवारने और बचाने का काम अब माननीय मुख्यमंत्री जी को करना होगा, ताकि जो हमारे वर्तमान में जो हमारे आने वाली युवा पीढ़ी है उसको भी अपने इतिहास के बारे में। दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। मामला बुलंदशहर का है, जहां 10 महीने की विवाहिता की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई। बेहद हैरान कर देने वाली बात यह है कि विवाहिता 8 महीने से गर्भ से थी, मगर फिर भी ससुराली जनों का दिल नहीं पसीजा। मृतक विवाहिता के परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि मांग पूरी न होने पर हैवान ससुराल वालों ने उनकी बेटी को फांसी के फंदे पर लटका दिया। लड़की पे मार बजाई, फांसी लगा के मारी थी और पंखा में लटकाई थी। है सबरे जनिन ने भाभी को लापरतो, भाभी को भी और देवर को भी, और भाभी की खाट पे तौलिया पड़ो है लड़का को, और मूंगफली चाबी हुई वहीं पड़ी है। ऐसा करिए मेरी लड़की के गेल में। हाँ, शादी कितने समय हुआ था? 10वां महीना चल रहा है। 8 बेटी प्रेग्नेंट भी थी? हाँ, 7 महीना के बीच गई, कल को 8वां महीना लगेगा मेरी लड़की को। क्या हुआ आपकी बहन के साथ? हमारी बहन के साथ फांसी लगा के मार दी, और वो झूठा केस बना दिया, पंखे से लटका दी, और जब हमने जाके देखा तो वो नीचे गिर रही थी और वो सब फरार हो गए थे, कोई नहीं मिला था हमें। कब हुई थी शादी? शादी 3 मई 2022 को हुई थी। आगरा से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि यहाँ 32 बांग्लादेशियों को पुलिस ने पकड़ा है। ये सभी अवैध रूप से आश्रय स्थल बनाकर रह रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने 28 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज बनाने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इसी को लेकर पुलिस लाइन में आयुक्त कार्यालय के बाहर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले में कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही एक बड़ा अभियान चलाकर सबकी जाँच कराई जाएगी। आज ज्ञापन दिया है, यह विषय है कि बांग्लादेशी, कुछ बांग्लादेशी आगरा शहर में जगह जगह अपने एरिया बढ़ाते जा रहे हैं और लोगों को लाते जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उनके पास जब लोग हम लोग पहुंचते हैं तो उनके पास उनके आधार कार्ड है, पैन कार्ड है,
इसलिए ज्ञापन दिया कि अवैध रूप से ये मस्जिदों के पास, मजारों के पास जगह घेर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, ये लोग हैं कौन, इनकी तादाद इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। और पुलिस आयुक्त साहब ने हमें आश्वासन दिया कि ये सारी चीजें चेक कराएंगे और हम आप लोगों के माध्यम से निवेदन करते हैं पुलिस से कि आप लोग चेक करा लीजिए, नहीं तो बजरंग दल स्वयं चेक करने का काम करेगा। देखिए आगरा शहर के, आगरा जिला जो है वो कहीं ना कहीं अति संवेदनशील जिला है पूरे देश भर के अंदर। यहाँ सैन्य देश की सबसे बड़ी सैन्य छावनी भी है और यहाँ विदेशी पर्यटक भी बड़े स्तर पर आते हैं आगरा के अंदर। और उस आगरा से आगरा जिले के अंदर कहीं ना कहीं इतने बड़े तादाद में बांग्लादेशियों का अवैध रूप से इस जिले के अंदर रहना, वो भी पूरे के पूरे उनकी लोकल आइडेंटिटी के साथ, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास पैन कार्ड है, वोटर आई डी कार्ड है, उनके पास राशन कार्ड है, बैंक की पासबुक है, सब कुछ सारी चीजें उपलब्ध है उनके पास। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसी को लेकर आज हम लोगों ने पुलिस आयुक्त महोदय को यह ज्ञापन दिया है कि जितने भी हमने कुछ एरिया चिन्हित करके दिए हुए हैं, छावनी हुआ, रोहता नहर के पास भी लोग झुग्गी झोपड़ी के रूप में बनाकर रह रहे हैं, कूड़े बीनने का काम कर रहे हैं, सारे काम ये लोग कर रहे हैं, ये सारे एरिया हमने इनको चिन्हित करके दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से ये सारे चिन्हित एरियों पर पुलिस जो है अपने स्तर से जांच करे और जितने भी अवैध बांग्लादेशी हों उन सबको रिपोर्ट करके उनके देश पर। फरीदाबाद में मामूली कहा सुनी को लेकर युवकों ने दो दोस्तों पर चाकू से हमला बोल दिया, जिसमें एक युवक की हालत चिंताजनक बताई गई है। घायल युवक को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जबकि दूसरे युवक को सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ये नहरपार एरिया का मामला है केएलजी सोसाइटी का, जिसमें दो लड़के जो प्रिंस और रोहित, इनके साथ जो कुछ तीन चार लड़के थे बाहर के, उन्होंने कुछ नोक झोंक करी, कुछ तुतुमे में हुई, फिर नोक झोंक बढ़ती, उन्होंने उनको चाकू मारा है, इसमें उनको चोट लगी है। युवक एडमिट है और उनके परिजनों की शिकायत में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों को जल्द अरेस्ट किया जाएगा। का था बुलेट पे, उसने दारू पी रखी थी, वो बोल रहा है कौन है, चमारो मारे इकट्ठे हो रहे हैं, क्या है इनके भैया, क्या हो गया, क्या बात होगी। तो उनने आते ही डायरेक्ट मेरे पे थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारते मेरे साथ एक लड़का था प्रिंस, उसमें चक्कू मार दिया पहले, फिर उसने दोबारा मेरे में मार दिया। ठीक है, तो वो बोल रहा तुम्हारे से यहाँ पे मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम कौन हो, कहाँ के हो, कहाँ के रहने वाले हो, ऐसे ऐसे बोलने लगा। फिर हम अपना बचाव करके वहाँ से चले आए। कितने बंदे थे वो? दो बंदे थे, एक था उस एक तो अकेला था, उसने दस सात के साथ बुला लिया ऊपर फ्लैटों में से। नाम क्या उनका? उसका कपिल नाम है, दूसरे का नाम नहीं पता जी। प्रदीप। क्या काम करते हो फ्लैटों में? हम जी मेरे दोस्त मेरे भाई रहता है। अच्छा, वहाँ पे तो कहाँ चोट मार? उनसे उनके पास चक्कू था एक तो, और जी उनके पास और भी हथियार थे, और दिखाए नहीं उन्होंने, जिनसे उन हम काबू हो गए उन्होंने उससे ही काबू करा, चक्कू मारा था बस जी। FIR दर्ज होगी प्रदीप। और दंगियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है गाजियाबाद से, जहां एलिवेटेड के बाद अब मोदी नगर में चलती सड़क पर हुड़दंग हुड़दंगई करते नजर आए हैं। पुलिस ने तुरंत इस मामले में कार्रवाई करते हुए हुड़दंग करने वाले 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 2023 को मोदी नगर पुलिस को रात्रि में ये सूचना मिली कि दो स्कॉर्पियो गाड़ियों में कुछ लड़के तेज आवाज में म्यूजिक बजाते हुए और हंगामा करते हुए जा रहे हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 13 लड़कों को हिरासत में ले लिया गया है और दोनों स्कॉर्पियो गाड़ियों को सीज कर दिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र के दहेली गांव में 24 घंटे में पुलिस के साथ मारपीट की दूसरी घटना सामने आई है। दरअसल घाटमपुर थाना क्षेत्र के दहेली गांव निवासी एक युवक नशे में लोगों के साथ गाली गलौज कर रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को एक नशे में धुत युवक द्वारा गाली गलौज करने की सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही दरोगा मंजेश और सिपाही आशीष मौके पर पहुंचे और नशेबाज युवक को पकड़कर थाने ले जा रहे थे कि तभी युवक ने दरोगा का पीछे से गला दबा दिया, जिससे छटपटा कर वह सड़क पर गिर गए। आज शाम घाटमपुर पुलिस को यह सूचना मिली कि एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति अमरेंद्र सचान के द्वारा गांव में लोक शांति भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में पुलिस बल मौके पर पहुंची और उसको पूछताछ के लिए थाने ले जा रही थी। इस दौरान उस व्यक्ति ने पुलिस बल पर जानलेवा हमला किया और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया। इसके क्रम में पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और अन्य जो विधिक कार्रवाई है इसी क्रम में।
लखनऊ में कार समेत लापता मालिक की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मालिक ने 8 दिन पहले बुकिंग पर जाने की बात कही थी, जिसके बाद वह नशेड़ी दोस्तों के साथ सोनार से 1 लाख रुपए ले आया और रुपए के लालच में नशेड़ी दोस्तों ने ही कार मालिक पर रॉड से हमला बोल दिया और उसकी मौके पर मौत हो गई। हरदोई में घरेलू गैस का प्रयोग निजी वाहनों से धड़ल्ले में किया जा रहा है। आपको बता दें इसके साथ ही बिना लाइसेंस और मानक पूरे किए गए रिफिलिंग भी की जा रही है, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है और पॉश इलाके में बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडर का निजी वाहनों में प्रयोग किया जा रहा है। फिलहाल जिम्मेदार जानकारी होने के बाद जाँच में जुट गए हैं। रायबरेली में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि युवक ने नाम बदलकर दलित युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। जेल में बंद आरोपी के दोस्तों ने पीड़िता के परिजन के साथ मारपीट की। मामले में 2 सिपाहियों का भी हाथ बताया जा रहा है। वही पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच के निर्देश दिए हैं। गोंडा में सरयू नदी पुल जो लगभग 60 वर्ष पहले बनाया गया था, जो अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिसके चलते आए दिन पुल में कोई ना कोई समस्या पैदा होती जा रही है। इस मार्ग पर हर दिन हजारों वाहनों का आवागमन होता है, साथ ही मरम्मत के दौरान आवागमन भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पुल में लगे बैरिंग में खराबी के चलते बैरिंग को बदलने का कार्य PWD विभाग के द्वारा शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल, इसके हेतु ये पुल, चूँकि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये अपनी आयु पूर्ण कर चुका है और इसको बनाने के लिए इसे नए प्रस्ताव को पहले पूर्व में प्रेषित किया भी गया था, लेकिन तब तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग 330B घोषित किया जा चुका था, जिसकी वजह से राज्य सरकार ने इस पर किसी भी कार्य में जो है धन आवंटन में असमर्थता व्यक्त की थी। और चूँकि यह अब ये मार्ग पूरी तरह केंद्र में है, तो इस पे जो भी जो कार्य भविष्य में किया जाएगा वो केंद्र द्वारा ही किया जाएगा। रायबरेली में बीते दिन गुरबख्शगंज में हुए अभय सिंह हत्याकांड के मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि घटना होने के 1 दिन बाद परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने शव रखकर हंगामा किया था, जिसमें परिजनों ने मृतक के मामा सहित 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। वहीं गुरबख्शगंज पुलिस ने आज अभय सिंह के हत्यारों को गिरफ्तार कर अपर पुलिस अधीक्षक के सामने पेश किया है और जेल भेजने की अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 8 फरवरी को अभय सिंह नाम की हत्या हुई थी, जिसमें उनके परिजनों द्वारा एफआईआर थाना गुरबख्शगंज में कराई गई और इसमें उन्होंने 4 लोगों को नामजद किया। इंस्पेक्टर गुरबख्शगंज ने जांच के दौरान इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में लिया जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।